अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर जो पढ़ना है वो हमने देखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, यानी कि आज जो है हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन, लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे, हमारे पास कंपनीज जो है वो कौन सी होती है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो आ जाएंगे, और मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक जो है वो आज हमने देखने हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होती है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी पर्सन, या हम ये कहते हैं कि कोई पर्सन है वो किसी सिविल सोसाइटी में रह रहा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो है कोई कॉन्टेक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना हो, ये चीज जो है वो पॉसिबल ही नहीं। कैसे बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी सिविल सोसाइटी का पार्ट है तो डेफिनेटली आपके जो है बहन भाई हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, वो स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कह सकते हैं गवर्नमेंट और जो है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी सोसाइटी का पार्ट हो और आप वहाँ पे जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट में ना हो, ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं इस तरह से जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो रीअसेंबल भी होती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं लीगल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो लीगल फॉर्म क्या है। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो हमारे पास लीगल भी है या नहीं। ठीक है, अब लीगल और इलीगल का मतलब ये होता है कि वो कानून की जो है वो पैरवी कर भी रही है या नहीं। इसके लिए हमें क्या बताए गए हैं, लॉज बताए गए हैं। इसमें हमने लॉज के बारे में पहले भी पढ़ा था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो क्या होते हैं, गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, डिफाइन करती है। अब यहाँ पे हम जो है वो लीगल फॉर्म किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जिनके थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्ड की जाती है। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉज जो है वो किस तरह के होते हैं, वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बताइए कि जब लोग आपस में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस बेसिस पे होता है, वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ रूल्स जो है वहाँ पे बता दिए जाते हैं। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे कुछ क्लॉजेस होते हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि जी आप इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं, जो भी काम आपने जो है वो किस तरह से जो है उसको सर अंजाम देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन जो है वो क्या करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के जो है रूल्स को तोड़ता है, तो क्या होता है, उसको जो है उसके अगेंस्ट जो है वो फाइन पे करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो था सारे के सारे क्लॉजेज जो थे वो क्या कर दिए गए थे, पहले से डिफाइन कर दिए गए थे, लेकिन क्या हुआ, पर्सन ने उन कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, तोड़ दिया, जिसके अगेंस्ट उन्हें क्या करना पड़ा, फाइन जो है वो पे करना पड़ा। किस तरह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि वहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या थे, लॉ जो थे उनको क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, जिनकी बेसिस पे फिर क्या थे, कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे। उसके बाद आता है हमारे पास टाइट फॉर क्राइम। अब इसमें क्या होता है, वो कहते हैं जो लोग क्राइम करते हैं उनका क्या होता है, एक अलग स्टेटस होता है, यानी कि उनके बारे में जितनी भी डिटेल होती है वो क्या होती है, सेव होती है। किस तरह से, जिस तरह आपने कभी टीवी ड्रामास वगैरह में देखा हो या मूवीज में देखा हो, वहां पे क्या होता है, जिस टाइम वो क्रिमिनल को पकड़ने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो नए होते हैं उनका तो नहीं, लेकिन जो हमारे पास पुराने क्रिमिनल्स होते हैं उनका जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है, उनके डेटाबेसिस में पहले से क्या होता है, सेव होता है। तो यहाँ पे भी यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो क्राइम्स जो लोग करते हैं उनका क्या होता है, एक अलग स्टेटस होता है, और उनके बारे में जितनी भी डिटेल होती है वो क्या होती है, सारी के सारे सेव होती है। फिर वो कहते हैं अगर कोई किसी को सू कर देता है, यानी कि इस तरह हम कहते हैं ना किसी पे कोई बिला वजह जो है कोई मुकदमा दायर कर दे या इस तरह की कोई हरकत कर दे, तो क्या है, गवर्नमेंट का काम है, लॉस का काम है कि क्या करें, उस इंसान को जो है वो क्या करें, प्रोटेक्ट करें। ठीक है, ये सारे के सारे चीजें जो है हमारे पास कहाँ पे आते हैं, इनकॉर्पोरेशन भी कहलाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है इनकॉर्पोरेशन, ये क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन में हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें क्या करती है, लीगल एग्जिस्टेंस जो है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है। या हम ये कहते हैं कि अगर कोई जो है कंपनी वो क्या है, उसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि कंपनी जो है वो क्या है, इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास क्या होती है। आपने देखा होगा इस तरह यहाँ पर उन्होंने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं, इस तरह चार्ट्स की बताई हुई है, चार्टर्स की बताई हुई है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बताई हुई है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की बताई हुई है कि पब्लिक 1985 जो उसके एक्ट थे 1985 के और 1989 के वो क्या है, ये सारी चीजें जो है उसने बताई है कि इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हमारे पास ये सब चीजें जो है वो इंक्लूड होती है।
आप फिर वो क्या कह रहे हैं, वो आपको बता रहा है कि हमारे पास जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कितनी टाइप है। हमारे पास जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके तीन टाइप है। यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, एक से लिखा है सोल ट्रेडर, दूसरी हमारे पास आगे पार्टनरशिप, तीसरी हमारे पास आगे लिमिटेड कंपनी। अब सोल ट्रेडर जो है वो हमारे पास क्या है, वो कहते हैं कोई भी लोकल शॉप हो सकती है प्लम्बर। सोल ट्रेडर में बात कर रहे हैं वो किसी एक सिंगल पर्सन की, इस तरह हम सोलो की बात करते हैं। सोलो होता है ना, सोलो का क्या मतलब होता है, सिंगल। यहाँ पे भी सोल ट्रेडर का क्या मतलब है, सिंगल, यानी कि कोई ऐसा काम जो क्या है कोई एक सिंगल पर्सन कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है हमारे पास, सोल ट्रेडर है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का हमें पता ही है, जब दो या दो से ज्यादा लोग जो है आपस में क्या करते हैं, मिलकर कोई काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के ज्यादातर हम देखते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल वगैरह में देखें तो हमारे पास क्या होता है, तकरीबन तीन से चार डॉक्टर जो है आपस में मिलकर बैठे होते हैं। ठीक है, आप कोर्ट में चले जाएं तो वहाँ पे चैम्बर में दो तीन जो है लॉयर्स बैठे होते हैं। अकाउंट ऑफिस चले जाएं तो वहाँ पे जो है अकाउंट ऑफिस को संभालने के लिए भी दो से तीन लोग जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और वो क्या करते हैं, पार्टनरशिप में जो है वो काम करते हैं। फिर वो यहाँ पे कहते हैं लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी के अंदर उसने दो बातें बताई, उसने कहा एक हमारे पास प्राइवेट होती है, एक हमारे पास क्या होती है, पब्लिक होती है। लेकिन यहाँ पे एक और बात आप लोगों को बता दूँ, हमारे पास जो कंपनीज है ना लिमिटेड भी होती हैं और अनलिमिटेड भी होती हैं। ठीक है, अनलिमिटेड क्या होती है वो भी जो है हम आगे उसको डिस्कस कर लेते हैं, बट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है हमारे पास फर्दर दो कंपनीज आती हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक प्राइवेट है, दूसरी हमारे पास क्या है, पब्लिक है। अब जो है हम इनको डिटेल से देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज इसके अंदर थी वो क्या थी, हमारे पास सोल ट्रेडर थे। सोल ट्रेडर क्या है, जैसे कि अभी हमने बात की कि वो क्या होगा, एक सिंगल पर्सन होगा। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास सोल पर्सन होगा ना, उस पर जो कर्जे वगैरह डेब्ट्स जो आएंगी उसमें क्या होगा, उस एक अकेले पर्सन की क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कि अगर वो कर्जे में जो है वो मकरूज हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा, अपने तमाम जो कर्जे हैं उतारना जो है वो क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो कहते हैं जी इसके अंदर जो एसेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, रिस्क। रिस्क कैसे होगा, देखिए अब ये जो हमारे पास सोल ट्रेडर की बात हो रही है, इसमें जो है वो जो भी काम कर रहे हैं वो कोई लीगल प्रोसेस तो नहीं कर रहा। ठीक है, अब कंपनी जो है वो क्या है, उसकी प्राइवेट है, पता नहीं उसने जो है लीगल करवाई भी है या नहीं, उसने जो है अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया भी है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता। तो वो कहते हैं जितने भी एसेट्स होंगे उसमें फिर क्या होगा, उसमें जितने भी रिस्क होंगे वो क्या होंगे, उस पर्सन के खुद से होंगे, वो किसी को जो है वो फर्दर क्लेम नहीं कर सकता। फिर वो कहते हैं इसके अंदर जो थर्ड बात है, उसमें ये भी कहा जाता है कि ये भी नहीं हम कह सकते कि उस जो है सोल ट्रेडर के अंदर सिर्फ वो ही एक एम्प्लॉय जो है वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमने यहाँ पे बात की थी सोल ट्रेडर की, क्या है, हम ये कहते हैं कि जी हमारे मोहल्ले में ये कह लें कि एक छोटी सी किसी जो है प्लम्बर ने क्या कर ली है, दुकान खोल ली है। अब वो जो प्लम्बर है उस दुकान का क्या है, वो एक अकेला ओनर है। ठीक है, उसने पहले क्या की, दुकान खोली, उसने काम करना शुरू किया, बट बाद में पॉसिबल है कि वो क्या करे, अपने साथ एक या दो हेल्पर्स को क्या कर ले, रख ले। तो फिर इसलिए उसने यहाँ पे ये बात कही है कि ये बात भी ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो है वो सिंगल पर्सन हो भी सकता है वो नहीं, अगर वो अकेला काम करा तो ठीक है, बट ये लाजमी भी नहीं है कि वो पर्सन जो है वो अकेले काम करे, वो अपने साथ जो है हेल्प के लिए किसी और एम्प्लॉय को भी रख सकता है। बट क्या होगा, फिर भी वो सोल ट्रेडर ही होगा। क्यों सोल ट्रेडर होगा, क्योंकि जो उसकी ऑनरशिप है वो क्या है, सिर्फ एक सिंगल पर्सन के पास ही है, और उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी काम है वो क्या है, उसे एक सिंगल पर्सन के हिस्से में ही आएंगे। तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सोल ट्रेडर। उसके बाद था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का इसमें हम लोगों को पता ही है, हमें पता है कि पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग। एक की तो हम बात ही नहीं करते हैं, एक की तो भी हमने बात कर ली है कि अगर एक पर्सन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास सोल ट्रेडर है। बट जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हमें पता है कि पार्टनरशिप के अंदर जो है कभी भी कोई एक पर्सन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। पार्टनरशिप में हमेशा अमूमन दो या दो से ज्यादा लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो पार्टनरशिप में हमारे पास क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा लोग जो है वो क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें जो अभी इसमें हमने पीछे बात की थी सोल ट्रेडर की, उसमें जो एसेट्स हैं उसमें जो रिस्क होगा वो क्या होगा, एक अकेले सोल ट्रेडर का होगा, लेकिन अब यहाँ पे जो रिस्क है वो क्या है, ग्रेटर देन 1%। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 1% क्यों है, ग्रेटर देन 1% इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो काम है वो किसके अंदर हो रहा है, पार्टनरशिप के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी काम होंगे, जिस तरह से भी काम डिवाइड होंगे, जो भी लाइबिलिटीज होंगी, जो भी डेब्ट्स होंगे, वो क्या होंगे, उन पार्टनर्स के दोनों के होंगे, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर पार्टनर दो हैं तो वो दो के हिस्से आ जाएंगे, अगर
पार्टनर तीन है तो वो तीन के से आ जाएंगे, जितने भी पार्टनर होंगे वो क्या होंगे उसके अंदर इक्वली जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर देन 1%। तो ऑल्टरनेटर में क्या था, सिर्फ उस 1% के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 1, क्योंकि पार्टनरशिप जो है हमने ऊपर भी पढ़ भी लिया है, देख भी लिया है कि हमने कहा दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर क्या करते हैं आपस में पार्टनरशिप करते हैं, तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो सबके सब क्या होंगी उन तमाम पार्टनर्स के ऊपर आ जाएंगे। कहते हैं नॉर्मली जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं। प्रोफेशनल कैसे, जिस तरह डॉक्टर्स की बात की, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जिस टाइम डॉक्टर्स हमारे पास पहले हाउस जॉब करने के लिए आते हैं, बाद में जब वो डॉक्टर्स बन जाते हैं उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, अच्छा खासा उनके यहाँ उनके पास काफी सारे पैसे हैं, तो वो कहते हैं ठीक है हम हॉस्पिटल में तो काम कर ही रहे हैं बट हम क्या करें अपना भी हॉस्पिटल बना लें। या फिर स्पेशली तब जिस टाइम डॉक्टर्स जो है ना वो रिटायर होने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं अपने बच्चों को भी डॉक्टर्स बना लेते हैं ना, तो वो क्या करते हैं वो अपना हॉस्पिटल बनाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि डॉक्टर्स के पास, ये भी हम कह सकते हैं कि पॉसिबल है कि उनके पास हॉस्पिटल बनाने के इतने पैसे नहीं है कि एक डॉक्टर जो है वो क्या करे हॉस्पिटल बना ले, तब वहां पे क्या करेगा वो डॉक्टर जो है किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर लेगा कि जो है मैं हॉस्पिटल बनाना चाह रहा हूँ तो क्या आप जो है मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगे। अगर वो एग्री हो जाएगा तो वो दोनों क्या करेंगे पार्टनरशिप के ऊपर जो है वो एक हॉस्पिटल बना लेंगे। अब क्या होगा दोनों की पार्टनरशिप है, दोनों क्या कर रहे हैं उस हॉस्पिटल को देख रहे हैं, जो भी नफा जो भी नुकसान होगा दोनों के इससे क्या होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से लॉयर्स हैं, जिस नाम आपने देखा होगा उनके चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, तो समटाइम जो होता है उनके चैम्बर प्राइवेट भी होते हैं, समटाइम ऐसा भी होता है कि वो तो रेंट पे भी देते हैं। इसी तरह से लॉयर्स हैं ये काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट्स जो हैं वो भी सेम इस तरीके से जो है पार्टनरशिप पे कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पास जो है कमर्शियल वर्ल्ड के अंदर ये बात जो है नामुमकिन सी है। ऐसा क्या नामुमकिन बात है, वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह भी हमने यहाँ पे एक बात की थी ऊपर कि डॉक्टर्स जो है वो क्या करें पार्टनरशिप के ऊपर जो है हॉस्पिटल बना लें। अब अगर यहाँ से कोई एक पर्सन जो है वो मूव कर जाए हॉस्पिटल को चलाना क्या हो जाएगा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्यों ये रिस्की हो जाएगा, क्योंकि देखें जिस जगह पे हमने सेटअप बना के रखा हुआ है या जितना आप ये कह दें कि अगर एक सिटी के अंदर जो है आपने हॉस्पिटल बनाया है वो अच्छा खासा चल रहा है लेकिन आपको किसी वजह से वहां से मूव करना पड़ रहा है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि इस सिटी में जितना अच्छा आपका हॉस्पिटल चल रहा है किसी और सिटी में जाके भी उतना अच्छा चले, या अगर आपका पार्टनर जो है यहाँ से मूव कर जाए तो ये चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी थोड़ी रिस्की भी हो जाएंगी। क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स के आपस में जो है वो क्या हो जाती है लड़ाई भी हो जाती है। ये भी हो सकता है कि वो जो एक डॉक्टर है वो चला गया, उस डॉक्टर के चले जाने के बाद मे बी हॉस्पिटल इतनी अच्छी कंडीशन में ना चले जितना वो पहले चल रहा था, तो ये भी पॉसिबल है कि वो ये भी कह दे कि जी पहले जिस टाइम मैं था तब हॉस्पिटल इतना अच्छा चल रहा था, अब आप कहते हैं हॉस्पिटल जो है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो दोनों के बीच में जो है आपस में इख्तलाफात भी हो सकते हैं। तो ये चीज इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि इसकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारे पास जो है वो नहीं होती कि हम जो है अगर कोई एक पर्सन यहाँ से चला जाए तो चीजों को क्या कर दें मूव कर दें, क्योंकि मूव करने में जो है बहुत ज्यादा रिस्क है, और अगर कोई पर्सन मूव करता है तो उसके जो है ड्रॉबैक्स मैंने आपको बता दिए हैं कि एक चीज हो सकता है कि वो एक पर्सन के मूव करने से जो है चीजें उतनी अच्छी ना रहें, तो फिर क्या होता है उनके अंदर जो है वो इश्यू क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए जो लोग उन पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो जब वहां पे रहें चीजों को खुद डील करें तो चीजें उनके पास क्या होती हैं ज्यादा बेटर रहती है। उसके बाद कंपनीज, हमने कंपनीज की बात की थी, कंपनीज में हमने बात की पब्लिक कंपनीज की और प्राइवेट कंपनी की। इसके अंदर आपको मुझे बताया था कि हमारे पास जो है कंपनियां लिमिटेड भी होती हैं और अनलिमिटेड भी होती हैं। अब जो अनलिमिटेड कंपनीज हैं वो क्या है, अब अनलिमिटेड कंपनी में ऐसा होता है कि वहां पे जो डेप्स होते हैं ना जिन्होंने पे करने होते हैं, अब अगर उनको भी डेप्थ पे करना पड़े तो सारे का सारा डेप्थ जो है वो क्या होता है उन अनलिमिटेड कंपनी के ऊपर आ जाता है। जबकि जो लिमिटेड कंपनी होती है ना वहां पे क्या होते हैं उन्होंने जितनी अमाउंट देनी होती है ना वो अमाउंट होती है कि लिमिटेड कंपनियों ने जो है वो इतने पैसे जो है वो पे करने हैं, उनकी अमाउंट क्या होती है फिक्स होती है, लेकिन अनलिमिटेड कंपनीज की जो है वो अमाउंट फिक्स नहीं होती है। फिर क्या होता है सडनली समटाइम ऐसा होता है कि उनको डेप्थ पे करना पड़ जाए तो सारे का सारा डेप्थ जो है वो क्या होता है अनलिमिटेड कंपनीज के जो ऑनर है उन पर आ जाता है। कहते हैं जितने एसेट्स होते हैं ना वो अनलिमिटेड कंपनीज के जो है वो वहीं पे आ जाते हैं। ऐसे भी कभी किसी ने अनलिमिटेड कंपनी का नाम तो सुना ही नहीं होगा क्योंकि अनलिमिटेड कंपनीज जो है हमारे तो ज्यादा काम नहीं करती हैं, लेकिन ये भी जो है एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए जो है आपको उसके बारे में बताया है। बाकी हम देख लेते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज जो है हमारे पास क्या होती है। अब जो हमारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है ना, अब वो कहते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के जो शेयर होते हैं ना
आप लोगों को पता है ना शेयर मार्केट्स में जो है हमारे पास शेयर, जब भी कंपनीज होती है तो कंपनीज के क्या होते हैं कि शेयर होते हैं, तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है ना उनके जो शेयर होते हैं ना वो पब्लिक में जो है वो क्या होते हैं डिवाइड कर दिए जाते हैं, यानी कि पब्लिकली जो भी पर्सन चाहे वो उसके शेयर को जो है वो होल्ड कर सकता है। लेकिन हमारे पास जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है ना वो कंपनीज जो है कभी भी अपने शेयर को जो है वो पब्लिकली जो है वो भी नहीं देती, यानी कि सेल नहीं करती है, वो नहीं चाहती है कि उनके जो शेयर हैं वो लोग जो है वो क्या करें परचेज करें, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने अगर शेयर बेचने हैं तो वो क्या करते हैं अपने प्राइवेटली जो है वो शेयर को बेचते हैं, कभी भी पब्लिकली शेयर को बेचते नहीं है, प्राइवेट कंपनीज की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास कुछ लिमिटेड कंपनीज जो उन्होंने यहाँ पे बताया वो क्या होते हैं, लिमिटेड कंपनीज जो होती है हमारे पास कमर्शियल कंपनीज, जिस तरह हम ये कहते हैं कि कोक की कंपनी है, डालडा ऑयल की कंपनी है, ये कंपनीज जो है हमारे पास क्या है कमर्शियल कंपनीज है। अब कहते हैं कि जो कमर्शियल कंपनीज हैं इनमें क्या होता है, या तो इनमें हम ये कहते हैं कोई एग्रीमेंट होगा या इसमें क्या होता है कोई ना कोई गारंटी होती है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है ये कमर्शियल कंपनीज जो है वो चलती है। तो ये जो है हमारे पास कमर्शियल कंपनीज में आपको मैंने बता दिए हैं कि डालडा की, कोक की, जितनी सारी कंपनीज है वो हमारे पास सारे के सारे क्या है कमर्शियल कंपनीज आ जाती हैं। पब्लिक कंपनी जो क्या आएंगी अपने शेयर्स को पब्लिकली जो है वो सेल कर देंगे, प्राइवेट कंपनी जो है जो अपने शेयर को पब्लिकली सेल नहीं करेंगे, जब वो सेल करेंगे तो वो क्या करेंगे प्राइवेटली सेल करेंगे। और अनलिमिटेड कंपनीज में जो डेप्थ होते हैं यानी कि जो कर्जे वगैरह अगर कभी उस कंपनी पे आ जाए तो वो सारे के सारे डेप्थ जो है वो क्या होते हैं उन शेयर होल्डर्स को जो है वो पे करने पड़ते हैं, जबकि लिमिटेड कंपनीज के अंदर जो है वो एक फिक्स अमाउंट जो है पहले से क्या कर दी जाती है फिक्स कर जाती है कि इस कंपनी ने उनका ईयरली मंथली जितना भी वो होता होगा उन्होंने पे करना होता होगा वो बता देते हैं कि इस कंपनी ने इस साल में जो है इतना जो है वो पे करना है, वो उनका क्या होता है फिक्स होता है, जबकि अनलिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता और सारे के सारे जो एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं उन शेयर होल्डर्स के पास चले जाते हैं, इसलिए अनलिमिटेड कंपनीज को जो है ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद वो कहते हैं जो हमारे पास कंपनीज है वो क्या होती है, कहते हैं कंपनीज एक तो उनकी जो एग्जिस्टेंट होती है वो क्या होती है इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो जो कंपनीज है ना वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती है, ठीक है। फिर वो कहते हैं जो हमारे पास कंपनी है ना उसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किस पे किया जाता है शेयर होल्डर्स पे, के जो है उनके शेयर होल्डर्स जो है वो कौन कौन है, ऐसा भी नहीं होता कि शेयर होल्डर्स जो है वो कोई एक ही पर्सन हो, शेयर होल्डर्स जो है बहुत सारे लोग जो है वो किसी भी कंपनी के जो है वो शेयर जो है वो खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कहते हैं या फिर जो उस कंपनी के जो है वो क्या होते हैं मेंबर्स होते हैं, इस तरह से वो उनको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। वो कहते हैं नॉर्मली जो मतलब शेयर होल्डर होते हैं ना वो एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक यहाँ पे एक और बात भी कही है कि 1992 के एक्ट के मुताबिक जो है एक सिंगल पर्सन भी जो है वो शेयर होल्डर हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने अभी बात की पहली बात कि उसने कहा कि हम कंपनी को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं कैसे शेयर होल्डर्स पे और जो उस कंपनी के मेंबर हैं, हो सकता है कुछ शेयर हैं जो उस कंपनी के मेंबर्स परचेज कर ले और कुछ जो है वो पब्लिकली जो है वो लोग क्या कर लें उसको परचेज कर लें, बट उन्होंने कहा कि नॉर्मली हमारे पास जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं एक से ज्यादा होते हैं। बट यहाँ पे साथ ही उन्होंने बता दिया कि 1992 के रूल के मुताबिक या एक्ट के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल पर्सन जो है वो क्या हो जाए शेयर होल्डर बन सकता है, ये तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो है वो शेयर होल्डर हमारे पास एक से ज्यादा, अगर हम देखें कोई ये कह दे कि मैं अपने शेयर सेल नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने सारे के सारे शेयर जो है वो अपने पास रखना चाहता हूँ, तो कोई भी जो कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऐसा करने से मना नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि 1992 में ये एक्ट जो है वो क्या किया गया था, अलाउ किया गया था कि अगर कोई सिंगल पर्सन भी है और वो उन तमाम शेयर्स को होल्ड करना चाहता है तो वो उन तमाम शेयर्स को जो है वो होल्ड कर सकता है, ठीक हो गया। ये तो एक ना वो अलग सिनेरियो है कि अगर ऐसा हो जाए, बट ऐसा जो है अमूमन अगर हम देखें यूजली जो होता है कंपनीज के अंदर वो यही होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं मोर देन वन ही होते हैं, ठीक है। तो वही कहते हैं कि शेयर होल्डर हमारे पास एक तरह शेयर होल्डर भी हो सकते हैं और कुछ कंपनी के मेंबर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं उन शेयर्स के होल्डर होते हैं। फिर वो कहते हैं जी कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे पास क्या होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसी तरीके से हमारे पास कंपनी के भी जो है वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो है वो एक शेयर कैपिटल आ जाता है, कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन आ जाती है और डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। अब कंपनी कोई भी हो, ठीक है, ये लाजमी नहीं कि कोई किस कंपनी की हम बात करें, कंपनी कोई भी हो उसके कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमेशा वो क्या होते हैं सेम होते हैं कि दूसरा शेयर कैपिटल है वो क्या है, कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है और उस कंपनी का जो डायरेक्टर होगा उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सारे के सारे तीन चीजें जो है वो क्या इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो शेयर कैपिटल है वो क्या है। कहते हैं जो हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनका ये काम है कि वो अपनी कंपनी को क्या करें, ऑन करें। उन्होंने अपनी कंपनी को जो है वो ऑन करना है। फिर दूसरी बात वो कहते हैं, जिस टाइम कंपनी जो है स्टार्ट होती है तो शेयर्स को क्या होता है, ऑथोराइज कर दिया जाता है कि जो शेयर्स हैं वो किसके पास होने चाहिए। फिर वो कहते हैं कि वो क्या करते हैं, वो उनकी नंबर और नॉमिनल वैल्यूज को जो है वो क्या करते हैं, देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास मौजूद हैं और उनकी जो नॉमिनल वैल्यू है वो क्या है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 100 शेयर्स हैं तो 100 शेयर्स की कितनी वैल्यू होगी, उसके साथ वो क्या करेंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे कि 100 शेयर हैं। हम डॉलर्स की बात कर लें, हम कहते हैं जी 100 डॉलर्स हैं और 100 डॉलर्स को हमने जो है पाकिस्तानी रुपीज में जो है वो कन्वर्ट करना है, तो हमसे क्या करता है कि 100 शेयर जो है वो इक्वल टू 20 लाइए। वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले हम शेयर को क्या करेंगे, ऑथोराइज करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं और फिर हम क्या करेंगे, कोई भी एक नॉमिनल वैल्यू वहाँ पे रख देंगे जिसके इक्वल तो हमारे पास क्या होंगे, शेयर होंगे। फिर वो कहते हैं कि इन केस अगर आपकी कंपनी पे कोई डेब्ट यानी कि कोई कर्जा वगैरह आ जाए, तो ये भी पॉसिबल है कि आपके जो शेयर होल्डर हैं उनको सबको जो है अपने तमाम के तमाम शेयर जो है वो गंवाने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी होता है कि जिस टाइम कंपनीज पे आपने देखा होगा कि कर्जे वगैरह ज्यादा हो जाए और जो कंपनी है वो मकरूज हो जाए, तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि कंपनी के पास पैसे नहीं होते और वो बैंक का या जो उन्होंने अपने और बहुत सारे लोगों से जो है वो लोन लिया होता है, ठीक है, तो वो लोन है वो पे नहीं कर पाते हैं। तो फिर उस सूरत में क्या होता है, उन्हें अपने शेयर्स जो है सम टाइम बैंकों या उन लोगों को देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि इन केस अगर कंपनी के ऊपर कोई कर्जे आ जाए तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि उनको अपने शेयर्स हैं वो क्या होते हैं, गंवाने पड़ जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि मार्केट में जो है वो ऐसा ही होता है कि अगर कोई कंपनी डूब रही हो तो सम टाइम ऐसा होता है कि उसकी शेयर की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, एकदम से बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। उसकी शेयर की जब वैल्यू नहीं रहती तो मार्केट की वैल्यू नहीं रही, तो फिर उसमें क्या होगा, मार्केट के अंदर आपकी जब कंपनी की वैल्यू नहीं रहती तो आपकी कंपनी के शेयर की भी कोई वैल्यू नहीं रहती। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके जो शेयर होते हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहे होते हैं। उस टाइम हर किसी को ये होता है कि आपके शेयर्स अगर खरीद लिए जाए या इस कंपनी के शेयर्स अगर खरीद लिए जाए तो वो क्या होते हैं, प्रॉफिट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं कि अगर आपकी कंपनी में अप्रूव हो गए तो उस वक्त में आपको अपने तमाम के तमाम शेयर भी जो है वो क्या होते हैं, गंवाने पड़ जाएंगे। अब जब आपको शेयर गंवाने पड़ जाएंगे तो उसका क्या मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी जो है वो क्या हो गई, आपके हाथ से चली गई, क्योंकि जिसके पास कंपनी के शेयर होंगे इन एक्चुअल ऑनरशिप भी क्या होगी, उसके पास होगी। अब ये कंपनी के शेयर जो है वो फर्दर हमारे पास क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं कि किसके हिस्से में कितने शेयर हैं, उस हिसाब से फिर उनकी क्या होती है, ऑनरशिप डिसाइड होती है। तो अगर शेयर चले गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके हाथ से आपकी जो कंपनी है वो भी चली जाएगी। तो ये हमारे पास क्या था, शेयर कैपिटल था। उसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है। वो कहते हैं हमारे पास इसमें क्या रहता है, मेमोरेंडम आ जाता है ऑफ एसोसिएशन, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, जितने भी उनके एक्सटर्नल रिलेशन होते हैं उसको के क्या करती है, कंट्रोल करती है। फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि इसके अंदर हमारे पास जितने इंटरनल, उसमें हमारे पास क्या होंगे, जितने एक्सटर्नल हमारे पास आ जाएंगे उन सबको कंट्रोल करना मेमोरेंडम का जो है वो काम है, या मेमोरेंडम एसोसिएशन का काम है कि जितने एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है जो बाहर के मामलात होते हैं, उन बाहर के मामलात को कंट्रोल करना वो सारे का सारा क्या है, मेमोरेंडम एसोसिएशन का काम होता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का काम क्या होता है कि जितने आपके जो है इंटरनल मामलात या इंटरनल रिलेशनशिप है वो किसने देखने हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है देखने हैं। फिर जो इसके अंदर तीसरी चीज आ जाती है वो कहते हैं शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट। अब आपको एग्रीमेंट से बात तो समझ आ गई होगी कि एग्रीमेंट क्या कहना चाह रहे हैं। जिस टाइम शेयर्स जो है शेयर होल्डर को शेयर दिए जाते हैं तो उस टाइम आप एग्रीमेंट जो है वो साइन करवाए जाते हैं। अब एग्रीमेंट्स के अंदर वो कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेस लिखते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जिनको आपने क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, वो तमाम चीजें दिखाई जाती हैं। फिर शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, उन एग्रीमेंट्स को रीड आउट करते हैं। अगर तो जो बस हमारे पास शेयर होल्डर जो चाहते हैं कि इस कंपनी के शेयर को परचेज करना, वो क्या करेंगे, वो उस एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अगर तो वो जो एग्रीमेंट उस कंपनी ने दिया है, अगर शेयर होल्डर उस एग्रीमेंट को जो वो कहते हैं कि ठीक है जी हमें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हमें ये मंजूर है, अगर वो उसको ओके करते हैं तो फिर वो क्या होंगे, उनके दरमियान जो है वो एक एग्रीमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा और उनको क्या हो जाएंगे, वो शेयर होते हैं वो दिए दिए जाएंगे कि इस एग्रीमेंट के थ्रू इस शेयर होल्डर को जो है ये शेयर जो है वो दिए जाते हैं। तो
हो गया। अब हम देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो क्या होती है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक तो ये देखा जाता है कि आपकी कंपनी का जो नाम है वो क्या रखना है। यहाँ पे डिसाइड होगा ये कंपनी का नाम क्या है, फिर उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि इस कंपनी के अंदर आपने कौन कौन से काम करवाने हैं, कौन कौन से काम नहीं होने चाहिए, उस कंपनी के अंदर कौन से ऐसे लॉज हैं जो आप जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के नेम के बाद जो है वो क्या हो जाएंगे, डिसाइड हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं वो डिसाइड करने के बाद के जो है कंपनी का नाम क्या है और उसके अंदर जो है आप किस तरह के रिस्ट्रिक्शन जो है वो चाहते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्री की रजिस्ट्रेशन करेंगे। कंट्री की रजिस्ट्रेशन से क्या मतलब है कि आप जो कंपनी बनाना चाह रहे हैं, खोलना चाह रहे हैं, वो किस कंट्री में है। ठीक है, पाकिस्तान में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, स्कॉटलैंड में है, कहाँ पे है, जिस भी कंट्री में वो कंपनी आप ओपन करने जा रहे हैं आप क्या करेंगे, वहां से जो है उस कंट्री से उस कंपनी को ओपन करने की जो है वो रजिस्ट्रेशन लेंगे। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप देखेंगे कि आपको उस कंपनी के जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अब वो कहते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट जो है वो 1989 के एक्ट के मुताबिक जो है वो जनरल कमर्शियल कंपनी बनाना चाह रहे हैं, जो भी बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो कंपनी के सेट करेंगे कि आपकी कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। फिर वो कहते हैं जो हमारे पास लाइबिलिटी क्लॉज होता है, अब वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो, कहते हैं लाइबिलिटी जो है वो मेंबर्स के लिए क्या होता है, लिमिटेड होता है। जिस तरह आपने बात की थी पहले भी कि अगर कंपनी पे कोई डेप्थ आ जाता है तो उस कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उन सबको क्या होता है, वो डेप्थ पे करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता जैसे हमने सोल ट्रेडर के अंदर देखा था कि ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन के ऊपर जो है वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती नहीं। एक तो जो है हमारी कंपनी वो क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, हमारी कंपनी लिमिटेड है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक फिक्स अमाउंट है जो उस कंपनी ने क्या करनी है, पे करनी है। एक तो ये बात कि उस कंपनी ने जो है फिक्स अमाउंट पे करनी है, दूसरी बात क्या कि जो भी लाइबिलिटी है, जो भी डेब्ट उसने पे करनी है वो क्या होंगे, उस शेयर उस कंपनी के अंदर जितने भी उसके शेयर होल्डर्स होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, उन सब पे क्या होंगे, इक्वली डिवाइड होंगे और वो लोग क्या करेंगे, उसको पे करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पर्सन के ऊपर जो है वो सारी के सारी चीजें डाल दी जाए या ये कह दिया जाए कि जी उसका शेयर 70% है, मेरा शेयर 30% है। फॉर एग्जाम्पल टू पीपल है और कहते हैं उसका शेयर 70% है, मेरा 30% है, तो ऐसा नहीं होगा कि 70% वाला पर्सन जो है वो क्या करेगा, तमाम की तमाम लाइबिलिटीज पे करेगा, नहीं। उन दोनों के अंदर उन दोनों को क्या करनी होगी, लाइबिलिटीज जो है वो पे करनी पड़ेगी। बस देख लिया जाएगा कि 70% वाले ने जो है वो कितनी लाइबिलिटी उसने कितनी पे करना है और जो 30% वाला है उसने कितना जो है वो पे करना है, और वो जो हमारे पास लाइबिलिटी डेप्थ उसने पे करना है वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, यानी कि एक फिक्स अमाउंट होगी जो उन्होंने क्या करनी है, पे करनी है। कहते हैं फिर इसके अंदर ऑथराइज शेयर वैल्यू थी, जिसके अंदर अभी हमने बात की थी नॉमिनल शेयर वैल्यू की एंड नंबर्स की, जो भी हमने देखा था स्लाइड में क्या वहाँ पे क्या करेंगे अपने शेयर्स के, ये वाला वो ये यहाँ पे हमने देखा था ना, ये हमारे पास क्या होंगे, नंबर डिसाइड होंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो क्या है मौजूद है, और फिर हम उसके क्या करेंगे, एक नॉमिनल वैल्यू जो है वो उन शेयर्स की क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। यहाँ पे भी जो है वो यही बात करना चाह रहा है कि हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ऑथोराइज शेयर पर्सन हमारे पास जो है वो कौन से हैं, और फिर वो जो शेयर है उनका नॉमिनल शेयर वैल्यू जो है वो कितना है, और उसको हमने जो है किस नंबर के साथ जो है वो देखना है, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी बात थी वो थी हमारे पास वे पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के, हमारे पास जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो क्या है, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले चीज है रूल ऑफ शेयर कैपिटल, ये आ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर आ जाएगा, मीटिंग ऑफ मेंबर्स आ जाएगा, रूल्स गवर्निंग डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट आ जाएगा, पावर ऑफ डायरेक्टर आ जाएगा, डिविडेंड एंड रिजर्व आ जाएगा, ये सारी के सारी चीजें जो है हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो है वो इंक्लूड होंगे। अब सबसे पहली बात जो उसने ऊपर की है, उसने कहा है रूल ऑफ शेयर कैपिटल। अब वो कहते हैं कि आपने बताया ना, हमने जाहिर सी बात है हमने पहले भी बात की थी कि जो है वो क्या करते हैं, शेयर जो है वो देते हैं लोगों को, तो पहले जो आप लोगों को शेयर दे रहे हैं उसके लिए क्या होंगे, सबसे पहले जो है वो रूल डिवाइड किया जाएगा। रूल क्या डिवाइड करेगा कि कैपिटल शेयर जो है वो किसको आपने देना है, किसको नहीं देना है, उसके अंदर कौन कौन सी क्लॉजेस जो है वो उनको इंक्लूड करना है, कौन कौन सी जो है रिस्ट्रिक्शन उसके अंदर होनी चाहिए, या कौन जो भी चीजें आपने उसके अंदर लिखनी है वो तमाम के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वहाँ पे लिख दिए जाएंगे। अब ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब है कि आपने अपने जो शेयर है वो किसको देने हैं। जिस तरह अभी हमने बात की थी कंपनीज की, हमारे पास कंपनीज क्या होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं और पब्लिक भी होती हैं।
ठीक है, इसमें हमने देखा कि प्राइवेट कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को शेयर को सिर्फ इन लोगों को देती है जो प्राइवेटली देती है, पब्लिकली कभी भी नहीं देती है। और जो हमारे पास पब्लिक कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, शेयर पब्लिकली लोगों को जो है वो दे देती है। यहाँ पे भी इस चीज को देखना है कि आपके जो शेयर हैं वो किन लोगों को जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर मीटिंग ऑफ मेंबर्स के उस शेयर होल्डर्स में, उस कंपनीज के अंदर जितने लोग शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग है, अरेंज करवानी है। तो मीटिंग कैसे अरेंज करवानी है, मीटिंग का एजेंडा क्या है, ठीक है, किस बेसिस पे जो है आप मीटिंग कर रहे हैं, किस तरह से आपने मेंबर्स को जो है वो गैदर करना है, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी, मीटिंग ऑफ मेंबर्स के अंदर आ जाएंगी। जितने भी आप लोगों के इश्यूज होंगे जिनको आपने रिजॉल्व करना है वो क्या होंगे, यहाँ पे उन तमाम मेंबर्स को बुलाकर एक मीटिंग कर ली जाएगी। आपका जो मीटिंग का एजेंडा है, एजेंडा जो है वो सेट किया जाएगा। एजेंडा सेट करने के बाद जो है आप लोग उसके बारे में जो है अपनी राय देंगे कि आप यहाँ पे जो है वो किस सिलसिले में बैठे हैं और क्या बात जो है वो दूसरे के साथ करना चाहते हैं। और फिर वहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो क्या करेंगे, अपने अपने राय से जो है वो आगाह करेंगे, मेरे बारे में, मेरे ख्याल में ये राय है, इसके ख्याल में ये राय है। और फिर वहाँ पे जो सूटेबल ऑप्शन होगा उसको क्या कर लिया जाएगा, डिसाइड कर लिया जाएगा सबकी जो है वो अप्रूवल के साथ। ऐसा नहीं होगा किसी एक ने कह दिया मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक है तो आप करें, ऐसा नहीं होगा। सबकी जो है वो रजामंदी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी कि जब सब लोग इस चीज को एग्री करेंगे तभी वो चीज क्या होगी, आप जो है वो वहाँ पे बैठी जो टीम होगी वो उनके पास जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जिसके थ्रू उन्होंने उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है वो क्या करेंगे, उसको देखेंगे और उस हिसाब से फिर वो क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रूल्स गवर्निंग डायरेक्टर, ये क्या है रूल्स, किस तरह के कौन से रूल्स की बात कर रहे हैं। कहते हैं आपने जो है आप क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डायरेक्टर जो है वो क्या करना है, अपॉइंट करना है। डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए आपके पास कौन से रूल दिए गए हैं या किस बेसिस पे, जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी वैकेंसी आती है उस वैकेंसी के लिए क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आप इस जो है पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, उसके अंदर क्या होती है सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो लिखी गई होती है। सेम इसी तरह से अगर आपने जो है कंपनी के लिए डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उसके लिए भी क्या होगा, कुछ क्राइटेरिया जो है वो बता दिया जाएगा या कुछ रूल बता दिए जाएंगे कि जिस टाइम आपने जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए डायरेक्टर के अंदर जो है वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मौजूद होनी चाहिए, या आपने जो डायरेक्टर कंपनी के लिए जो है चूज करना है वो किस तरह का होना चाहिए, उसके टाइप ऑफ नेचर क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आप क्या करेंगे डायरेक्टर को अपॉइंट करते हुए जो है वो मद्देनजर। उसके बाद जो है हमारे पास आता है पावर ऑफ डायरेक्टर, कि जो डायरेक्टर है उसकी पावर क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसने किस किस तरह से जो है किस किस डिपार्टमेंट में एक्ट करना है, डायरेक्टर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी वो बता देंगे। उसके बाद हमारे पास डिविडेंड एंड जो है वो रिजर्व्स क्या है, ये सारी चीजें जो है हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आ जाती हैं। फिर जो है हमारे पास थर्ड बात, जितना भी हमने देखी थी कि हमारे पास शेयर होल्डर्स के एग्रीमेंट्स की हमने बात की थी कि शेयर होल्डर्स के जो है वो एग्रीमेंट क्या है। अब वैसे तो हमने देख लिया था कि एग्रीमेंट क्या होता है, उसके बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया था। अब हम जो है वो देखते हैं कि जनरली हम इसको किस तरह से लेते हैं। कहते हैं जो शेयर होल्डर है उसमें जो है हमने क्या करना होता है, जो माइनर शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको प्रोटेक्ट करना होता है। कैसे, वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि 1%, जितना भी हमने बात की थी 70 और 30 की, ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और पीछे कम कर लेते हैं। हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1% के पास जो है वो 90% शेयर है और एक के पास जो है वो 10% शेयर है। तो ऐसा ना हो कि जो 90% वाला शेयर होल्डर है ना वो 10% वाले शेयर होल्डर के उसके जो भी जो है आप ये कह सकते हैं उसके अथॉरिटीज वाला है उसको ऐसा ना करे कि वो खत्म कर दे, वो कह दे ये तो माइनर शेयर होल्डर है तो इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास जो है ज्यादा शेयर है तो मेरे पास जो है वो सारी अथॉरिटी है। तो यहाँ पे जो है हम एग्रीमेंट के अंदर इस चीज को भी मेंशन करते हैं कि जो माइनर शेयर होल्डर है उसकी भी जो है वो अथॉरिटी उतनी ही होगी जितनी एक जो है वो हाई शेयर होल्डर की होगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो माइनर शेयर होल्डर है उसका जो है हम क्या करें हक को जो है वो खत्म करवा दें, ऐसा नहीं होगा। फिर वो कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, जिसमें हमने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने जो है कोई चीज उस एग्रीमेंट के अंदर जो है वो चेंज करवानी है, समटाइम ऐसा भी होता है कि एग्रीमेंट के अंदर जो है बाद में भी कुछ चेंजेस जो है वो क्या हो जाते हैं, रिक्वायर्ड हो जाती है, या वो उसके अंदर खुद से जो है वो कोई चेंज करवाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, एक जनरल मीटिंग जो है वो क्या की जाएगी, कॉल करवाई जाएगी। फिर क्या होगा, उस जनरल मीटिंग के अंदर जिस भी इशू के ऊपर या जिस एग्रीमेंट के अंदर जो भी आप न्यू चीज जो है वो ऐड करवाना चाहते हैं या कोई प्रीवियस चीज जो है रिमूव करवाना चाहते हैं, जो भी आपका मीटिंग का एजेंडा होगा आप वहां पे क्या करेंगे,
पूरी एक प्रॉपर मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद डिसीजन होगा। अब जो डिसीजन होगा वो यहाँ पे कैसे होगा, कहते हैं यहाँ पे जो है इसकी जरूरत है कि 75% मेजोरिटी जो है उस चीज से क्या करे, एग्री हो। अगर 75% जो लोग बैठे हैं वहां पे वो क्या हो जाए, उस चीज से एग्री हो जाए, तो क्या होगा उसके अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा, जो चेंज आप चाहते हैं। बट अगर 75% जो है लोग इस चीज के लिए एग्री नहीं होते, अगर 70% भी लोग एग्री होते हैं तो आप उस चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं। कहते हैं इसके लिए कंपल्सरी है कि 75% जो है वो लोग उस चीज को क्या करें, ये कहें कि ठीक, उस चीज के लिए एग्री करें कि ये चीज जो है ठीक है, तब फिर वो क्या होगी, जो चेंजेस आप उसके अंदर करवाना चाहते हैं एग्रीमेंट के अंदर, वो चेंज हो जाएंगे। कहते हैं जो हमारे पास शेयर होल्डर्स के अंदर जो है वो, या शेयर होल्डर्स के दरमियान जो एग्रीमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, वो कहते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है कि जिस टाइम आप शेयर होल्डर जो है सारे के सारे बैठे होते हैं, वो चीजें डिसाइड करते हैं, चीजें डिसाइड करने के बाद वो क्या करते हैं, उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर देते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले लेते हैं, जिस टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को कोई इशू होता है, ठीक है, कोई क्लासरूम से रेलिवेंट कोई इशू होता है, टीचर से कोई होता है, या फिर किसी स्टूडेंट के अगेंस्ट आपको कोई इशू, या मैनेजमेंट के कुछ भी इशू होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, जस्ट एक एप्लीकेशन जो है वो आपके सीआर क्या करते हैं, एप्लीकेशन राइट कर लेते हैं। राइट करने के बाद वो क्या करते हैं, फिर आपकी पूरी जो क्लास है उसके वो क्या करते हैं, वहाँ पे सिग्नेचर करवाते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट लिख दी इसकी तरफ से पूरी क्लास की बिहाफ पे, ये नहीं कि वो चीज सीआर और जीआर कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो आपके क्या है, पूरी क्लास उस चीज से क्या कर रही है, एग्री कर रही है, ठीक है। वो एग्रीमेंट जो है आप समझें कि वो क्या था, जो स्पेज के ऊपर आपने स्टेटमेंट लिखी है वो क्या है, एक एग्रीमेंट है, और आप सब लोगों ने क्या किया, साइन किया। साइन करने का क्या मतलब था कि जितने वहां पे लोग हैं, आपके जितने क्लास के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट से जो है वो एग्री हैं, जिस वजह से वो क्या कर रहे हैं, उस पर साइन कर रहे हैं। या फिर दूसरी बात इसमें क्या होती है कि वोटिंग कर ली जाती है, जिसके साइड पर ज्यादा वोट होंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस चीज को जो है वो मान लिया जाएगा। तो ये इसके अंदर जो है हमारे पास शेयर होल्डर्स के जो है एग्रीमेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज आती है वो आती है डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हमारे पास जो डायरेक्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो क्या है। सबसे पहली बात तो वो कहते हैं कि जो डायरेक्टर होगा वो क्या होगा, कंपनी का शेयर होल्डर ही होगा, यानी कि उसके पास क्या होगा, कंपनी का एक शेयर होना जो है वो क्या है, लाजमी है, शेयर होल्डर होगा डायरेक्टर जो भी हम उसको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात वो कहते हैं आपका जो शेयर होल्डर होगा ना, वो कंपनी के जो है ना अगेंस्ट जो है वो क्या करेगा, उसके जितने भी आप ये कहते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, यानी कि कंपनी के इंटरेस्ट के अंदर वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा जो है वो एफर्ट अपनी पुट करेगा कि मैं कंपनी को जो है वो किस तरह से जो है वो और ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे जो है कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाए, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज को जो है वो इम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है। फिर दूसरी बात ये भी है कि डायरेक्टर जो होगा वो आपका ऑनेस्ट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि डायरेक्टर आपका ऑनेस्ट ना हो। अगर डायरेक्टर ऑनेस्ट नहीं होता, तो आपको पता है कि डायरेक्टर ऑनेस्ट नहीं होगा तो कंपनी की जितनी भी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या हो जाएंगी, लीक हो जाएगी। इस तरह से आपने देखा ही होगा कि ऐसा ही होता ना कि जो हमारे पास कुछ बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसके अंदर अगर कोई दूसरी कंपनी जो है किसी अपने पर्सन को जो है वो कोई डेजिग्नेशन दे के वहां पे भेज देती है या अपना कोई जासूस छोड़ देती है, तो वो क्या करता है, उस कंपनी की जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करता है, दूसरी कंपनी को देता है। फिर उससे क्या होगा, जो वो कंपनी होती है वो क्या हो जाती है, कंपनी जो है दिन ब दिन खसारे में चली जाती है और वो जो है अप होती जाती है। या जिस तरह वो टेंडर्स होते हैं, अगर आपने सुना होगा टेंडर्स होते हैं, टेंडर्स के अंदर जो है वो कोटेशन फिल की होती है, ठीक है। जिस कंपनी का टेंडर जो सबसे कम होता है उसको टेंडर मिल जाता है, तो लोग क्या करते हैं टेंडर लेने के लिए दूसरी कंपनी की कोटेशन जो है वो देखते फिरते हैं कि किस कंपनी ने कितनी कोटेशन जो है वो पुट की है। फिर वो क्या करते हैं, सबसे जो है मिनिमम अमाउंट जो है वो उसके अंदर पुट कर देते हैं ताकि वो टेंडर जो है वो ले लें। अगर यहाँ पे हमारा जो डायरेक्टर है वो ही डिसऑनेस्ट हो तो कंपनी जो है वो कभी भी जो है वो एक अच्छे लेवल पर नहीं जा सकती। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपका डायरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उसकी तमाम की तमाम अटेंशन जो है वो उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन पे होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसको अपना इंटरेस्ट जो है कंपनी के अंदर क्या करना पड़ेगा, डिवेलप करना पड़ेगा, यानी कि बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कैसे डिवेलप होगा वो देखेगा कि आपकी कंपनी के अंदर जो है वो काम किस तरह से हो रहा है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम कंपनी के अंदर अगर या इन चीजों को जो है वो इम्प्लीमेंट करें तो उससे हमारी कंपनी जो है वो और ज्यादा बेनिफिट के अंदर चली जाएगी। फिर उसको जो है अपनी कंपनी की जो है वो ट्रेडिंग पोजीशन का भी पता होगा कि हमारी कंपनी जो है वो इस टाइम किस पोजीशन के अंदर है,
किस किस पोजीशन के अंदर है, इसके अंदर फिर हमारे पास एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो डायरेक्टर के पास जो है आप ये कह रहे हैं कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, काम किस तरह से हो रहा है, किस तरह से नहीं हो रहा, कौन कौन सी चीज़ें वो उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पास तमाम के तमाम जो है वो इंफॉर्मेशन होती है। और डायरेक्टर जो है वो खुद अपने भी कुछ सजेशन दे सकता है कि हाँ जी आप इसके अंदर जो है वो ये काम इस तरह से कर दें, इसकी प्लानिंग इस तरह से कर दें, यहाँ पे ये स्ट्रेटजी नहीं, ये जो है उसको क्या कर लें, इंप्लीमेंट कर लें, यानी कि वो अपना इंटरेस्ट जो है वो क्या करे, दिखाए कि वो जो कंपनी के अंदर जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है और चीजों को क्या कर रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल वे के अंदर जो है वो ले रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी जो है वो भी डायरेक्टर हो सकता है। ठीक है, ये दो जो है डेजिग्नेशन अलग अलग भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। अगर कंपनी का सेक्रेटरी है तो वो भी जो है हमारे पास डायरेक्टर हो सकता है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी की भी जो है वो यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो अभी हमने ऊपर जो है वो डायरेक्टर की जो है वो डिफाइन की, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कुड बी डायरेक्टर, कि जो कंपनी सेक्रेटरी है वो डायरेक्टर भी हो सकता है। उसके बाद जो है हमारे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फंक्शनल यूनिट्स हैं वो कौन से हैं। हमारे पास जो है इसके अंदर फंक्शनल यूनिट पांच हैं। सबसे पहली बात, किसी भी जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है ना उसके जो है पांच इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास फंक्शनल यूनिट होते हैं। एक प्रोडक्शन, दूसरा क्वालिटी मैनेजमेंट, तीसरा सेल्स एंड मार्केटिंग, चौथा फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और फिफ्थ हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिफ्थ हमारे पास जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो आ जाता है। अब जो है हम इसको बारी बारी देख लेते हैं कि चीज़ें जो है हमारे पास क्या हैं। प्रोडक्शन, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी पैदावार होती है ना हमारे पास, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जो भी सर्विसेज होंगी, वो सारी के सारी हमारे पास कहाँ होंगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होंगे। यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम किस किस चीज की जरूरत है या किस किस सर्विसेज का हम क्या कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं, और कंपनी जो है वो इसको कैसे बेचेगी, वो सारी की सारी मालूमात या इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास कहाँ पे होगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होगी। फिर दूसरी बात आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या काम है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जिसकी अभी हमने ऊपर बात की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका काम क्या है कि वो उस चीज को चेक करें। क्या चेक करें कि जिस लेवल की हमने बात की थी, क्या ये प्रोडक्ट हमारे पास उसी लेवल का बना है या नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने जो प्रोडक्शन है उसके लेवल को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। हम कभी भी अपने प्रोडक्शन को जो है वो क्वालिटी के लेवल से जो है वो नहीं गिराते हैं, तो उसके लिए क्या होती है, एक पूरी क्वालिटी मैनेजमेंट टीम होती है। जिस तरह हम इसकी एग्जाम्पल अगर हम कंप्यूटर साइंस के हवाले से लें, तो हम कहते हैं जिस टाइम हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में लोग जो है सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके अंदर SQA होती है हमारे पास, एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है। अब वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम क्या करती है, इस चीज़ को अश्योर करती है कि इस चीज़ के आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को, कि आपने जिस तरह का सॉफ्टवेयर मांगा था, क्या वो सॉफ्टवेयर जो है वो उसी क्वालिटी का बना है या नहीं। तो वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम क्या करती है, उस चीज़ को मेक श्योर करती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेम ऐसे ही क्वालिटी मैनेजमेंट जो है हमारे पास डिपार्टमेंट होगा, उसका काम क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन रहे हैं उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखना, उसकी जो क्वालिटी है, ऐसा ना हो कि हमने एग्रीमेंट के अंदर जिस क्वालिटी की बात की थी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो क्वालिटी जो है मार्केट में प्रोवाइड कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जो है हमारे प्रोडक्ट जो है उस मैार से जो है वो गिरना शुरू हो जाए। तो क्वालिटी मैनेजमेंट टीम क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स की जो है वो मार्केटिंग को या क्वालिटी को क्या करती है, हमेशा मेंटेन रखती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स का मतलब पता है बेचना, मार्केटिंग का मतलब जो हम चीज़ों की मार्केटिंग करते हैं किस तरह से। अब सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमें पता है कि हम क्या करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या होगी, सेल होगी। अब मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई न्यू प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया, अब हमने क्या करना है, लोगों तक बताना है या लोगों को बताना है कि हमने क्या किया है, ये प्रोडक्ट जो है वो बनाया है, तो हम उसकी क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा हमारे पास जो फोन की जहाज की जो कंपनियां हैं, जिस टाइम वो कोई भी न्यू पैकेज जो है वो क्या करती हैं, इंट्रोड्यूस करवाती हैं, तो बारी बारी उनकी क्या होती है, हमारे पास कमर्शियल जारी होती हैं। अब उसे क्या, वो कमर्शियल देने का क्या मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं, अपने उस पैकेज की जो है वो मार्केटिंग कर रहे हैं। अब क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा,
मार्केटिंग हुई, मार्केटिंग हुई, लोगों को क्या हुआ, उस चीज का पता चला। जब लोगों को उस चीज का पता चला तो लोग क्या करेंगे, उस चीज को जो है वो लेना शुरू कर देंगे, यानी कि उनकी सेल जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसमें जो है मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर हम अपनी चीज की मार्केटिंग ना करें तो लोगों को कभी भी उस चीज का पता नहीं चलता है। आप देखोगे मैनेजमेंट साइंस के जो लोग होते हैं वो यही काम करते हैं। उनका जो है वो क्या करते हैं, अपने जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग करने का उनको क्या फायदा होता है कि जैसे उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो जाएगी, लोग जो है उनके प्रोडक्ट से अवेयर हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, अपने उस प्रोडक्ट को, आपके उस प्रोडक्ट को जो है वो लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो खरीदना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है काम सेल्स एंड मार्केटिंग का, ये भी एक कंपनी के जो है फंक्शनल यूनिट के अंदर ही आता है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाए हैं आप क्या करें, उनकी मार्केटिंग करें। मार्केटिंग करने से आपको जो प्रोडक्ट्स है उसकी सेल जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ में हमारे पास आता है फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब हुआ, फाइनेंस से तो हमें पता ही है कि जहाँ पे हम पैसों की बात कर रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, हमारे कंपनीज के अंदर जो भी जितने भी बिल होते हैं, जितने भी फंड होते हैं, उनसे हम ये कहते हैं डिपार्टमेंट्स है ना हमारे पास अलग अलग, कौन से डिपार्टमेंट को कितनी फंडिंग देनी है, वो उस फंड्स का क्या कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई भी डिपार्टमेंट जो है आपसे ज्यादा फंडिंग ले रहा हो, किस डिपार्टमेंट को कितनी फंडिंग देनी है, किस डिपार्टमेंट की फंडिंग को जो है वो रोकना है। ये सारे का सारा काम जो है वो हमारे पास किस डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर हर चीज का जो है वो चेक एंड बैलेंस होता है, यानी कि जो हमारे पास पैसे होते हैं पैसों का चेक एंड बैलेंस होता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, जो भी आपने काम किए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि आपने अगर मार्केटिंग की है तो आपको ये एड बनाने के लिए इतने पैसे लगेंगे, तो आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे, उन्हें वो रिसिप्ट दिखाएंगे कि हमने ये काम किया था, उसके हमें इतने चार्जेस जो है वो देने हैं, तो वो आपको क्या करेंगे, वो पे करेंगे। वो ये चीज भी देखेंगे कि आपने जो चार्जेस बताए हैं वो किसको पे करने हैं, ठीक है, आपने खुद करने हैं, बैंक से ट्रांसफर करने हैं, जैसे भी करने हैं, वो फिर उस चीज को देखेंगे। और समटाइम ऐसा होता है कि कुछ डिपार्टमेंट जो है वो बगैर जरूरत के क्या है फंडिंग मांगते हैं, तो वो फिर पहले क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं कि क्या इस डिपार्टमेंट को सच में फंडिंग की जरूरत है। अगर तो फंडिंग की जरूरत हुई तो वो उस डिपार्टमेंट को फंड देंगे, अदरवाइज जो है वो फंड नहीं देंगे। यानी कि यहाँ पे पैसों का जितना भी हिसाब किताब है वहाँ पे जो है वो देखा जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। फिफ्थ पॉइंट की हमने बात की थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे अंदर क्या होता है, देखिए हर कंपनी का जो है ना एक गोल होता है कि वो आए दिन जो है उसकी कंपनी के अंदर जो है वो क्या होता जाए, मजीद इजाफा होता जाए, उसकी तरक्की जो है मजीद होती जाए, उसका प्रॉफिट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाए, चीजें जो है वो क्या होती जाए, दिन ब दिन बढ़ती जाए। तो वो किस तरह से पॉसिबल है, उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर क्या होगी, एक टीम होगी, ठीक है। अब वो क्या करेगी, चीजों को किस तरह से बेटर बनाना है ताकि उन्हें क्या हो और ज्यादा प्रॉफिट हासिल हो, वो इस चीज को क्या करेंगे, चेक एंड बैलेंस करेंगे। एक प्रोडक्ट अगर आपका मार्केट में चला गया है, ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को और ज्यादा किस तरह से बेटर बनाएंगे, उस चीज के ऊपर क्या होगी, रिसर्च होगी। और फिर रिसर्च करने के बाद आप उसमें क्या करेंगे, उसकी बेटरमेंट के अंदर जो है वो डेवलपमेंट करेंगे, और उससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा भी पॉसिबल है कि वो कोई ऐसी चीज, कोई न्यू चीज बना लें जिससे क्या हो उनकी कंपनी को जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। तो इस तरह की चीजें देखना कि हमारी कंपनी जो है, कंपनी की चीजें जो है वो किस तरह से बेटर हो सकती हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम करें जिससे हमारी कंपनी को जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो ये सारे के सारे काम जो है हमारे पास रिसर्च एंड डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो इसको देखता है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और बात आई थी, वो कहते हैं जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब है, जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक कंट्री के अंदर ना हो, मतलब कि एक से ज्यादा, मोर देन वन कंट्रीज के अंदर जो है वो क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्यों, देखें समटाइम ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि कुछ कंपनियां जो हैं वो इतनी ज्यादा डिवेलपमेंट कर लेती हैं कि वो क्या करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूसरे कंट्रीज के अंदर भी जो है वो क्या करती हैं, अपनी ब्रांचेस को जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो जो इस तरह की कंपनीज होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल में लिखा है, जिस तरह उन्होंने कहा कि हमारे पास फूड की जो है वो, फूड्स और ड्रिंक्स जो होती है ना उसकी फील्ड में अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी जियोग्राफिकल कंपनीज जो है वो मौजूद है। जिस तरह इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास जो कोक है, कोक की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एक जगह पे तो नहीं है, लेकिन कितनी कंपनीज जो है पूरे मुल्क में हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट हर जगह पे है। पेप्सी को देख लें,
वो हर जगह पे है। फिर अगर हम फूड की बात करें, मैकडोनल्ड्स को देख लें, KFC को देख लें, डोमिनो को देख लें, तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिर्फ एक कंट्री के अंदर जो है वो मौजूद नहीं है, बल्कि वो दो भी नहीं, बहुत ज्यादा कंट्रीज के अंदर जो है वो क्या होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करती हैं बहुत ज्यादा या मोर देन वन कंट्रीज में जो ऑपरेट करती हैं, वो हमारे पास क्या होती हैं, जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये क्या होती है। जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास सेंट्रलाइज होती हैं और कुछ जो है वो डिसेंट्रलाइज होती हैं। इसका क्या मतलब है? सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आपका जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जो भी डिसीजन हो रहे हैं, उसके लिए क्या है, एक सेंटर जो है वो डिसाइड करती है। जो भी काम होना है, जो भी डिसीजन होने हैं, वो क्या होंगे, उसे एक स्पेसिफिक सेंटर से होंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जिस तरह हम बात करते हैं हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अब उस यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस क्या है, डिफरेंट सिटीज के अंदर जो है वो मौजूद हैं। अब जो डिसीजन होना है वो कहाँ पे होगा, उस एक मेन कैंपस के अंदर होगा, सब कैंपस के अंदर नहीं होगा, उस एक मेन कैंपस के अंदर होगा कि कौन सा काम जो है वो आपने कहाँ करना है और कैसे करना है। जिस तरह अगर हम बात करें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो एग्रीकल्चर का जो हमारे पास मेन कैंपस है वो कहाँ है, फैसलाबाद में है। अगर हम उसके सब कैंपस की बात करें तो हम कहते हैं उसका सब कैंपस बुरे वाला भी है, इस्लामाबाद भी है और रहीम खान भी है। तो जो भी वहाँ पे ऑपरेशनल डिसीजन होना है, जो भी फाइनल डिसीजन होना है, एग्जामिनेशन के हवाले से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से, किसी प्लानिंग के हवाले से, किसी स्ट्रेटेजी के हवाले से, वो सारे का सारा कहाँ होगा, मेन कैंपस में, यानी कि फैसलाबाद कैंपस में होगा। और फैसलाबाद कैंपस में जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, बाकी तमाम कैंपसेस के अंदर जो है वो इशू कर दिया जाएगा। यहाँ आप ये कह दें कि अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो फैसलाबाद है वो उनका क्या था, हेड ऑफिस था। ठीक है, हेड ऑफिस है, जितने भी डिसीजन है वो कहाँ से आते हैं, हेड ऑफिस से आते हैं। कौन सा काम करना है, कैसे काम करना है, अगर आपने रिक्रूटमेंट करनी है तो किन बेसिस पे करनी है, ठीक है, सारे के सारे डिसीजन क्या होंगे आपका, वो हेड ऑफिस आपको प्रोवाइड करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, अलग अलग सिटीज में जो है वो फैली हुई है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होंगे वो कहाँ पे होंगे, आपके उस एक हेड ऑफिस में होंगे, जिसको आपने क्या कर लिया है, सेंटर बना लिया। जो भी डिसीजन, जो भी काम होने हैं वो कहाँ होंगे, उस सेंट्रलाइज लोकेशन पे होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हमें ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, कि एक लोकल लेवल के ऊपर जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके सारे के सारे डिसीजन, यानी कि आपकी कोई फर्दर फ्रेंचाइज जो है वो मौजूद नहीं है। एक ही सिटी है जिसके अंदर जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर रही है, काम कर रही है। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन किसी एक ही के अंदर काम कर रही है, तो फिर कहाँ उसके हेड ऑफिस, कहाँ उसके सब ब्रांचेस, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो उसी लोकल लेवल पे क्या होगा, आपका जो है वो डिसीजन हो जाएगा, या जो भी आपके सेटलमेंट है, जो भी आप डिसीजन करना चाहते हैं कि कंपनी के अंदर जो है वो इस तरह से चीजें होनी चाहिए, अगर हम इस तरह से काम करें तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं, जो भी काम है वो आप इसके अंदर जो है वो कर लेते हैं। तो सेंट्रलाइज सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो जितने भी डिसीजन होंगे वो क्या होंगे, एक सेंटर ऑफिस में होगी, यानी कि एक हेड ऑफिस में होगी। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, एक लोकल लेवल पर जो है सारे के सारे डिसीजन जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आई थी कि मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होती है, कहते हैं मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है उसके अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट लोग जो है वो वर्क करते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे बात की, हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, और जो है वो कॉर्पोरेट मैनेजर है। ये सारे के सारे जो है हमारे पास मौजूद है। अब वो कहते हैं जो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका काम क्या है। अब कहते हैं जो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, उसका काम ये है कि जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो वो टाइमली बने, ठीक है, यूजर की नीड के मुताबिक बने और बजट के अंदर बने। ये काम जो है वो किसका होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है, कि जो भी प्रोजेक्ट उनके पास आए हैं बनने के लिए, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने देखना है कि डेडलाइन जो है, डेडलाइन से पहले पहले आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, यूजर ने जो आपको रिक्वायरमेंट दी है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बनना चाहिए। फिर जो थर्ड बात है उसके अंदर वो ये है कि बजट के हिसाब से, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को अंदाजा नहीं होता और वो लोग क्या करते हैं, बजट जो है वो कम बता देते हैं और आपको जो है बजट अपने पास से लगाना पड़ जाता है। तो कहते हैं इस तरह ना हो,
जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप इस बात का ख्याल रखना है कि वो जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपके उस बजट के अंदर जो है वो बनना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि वो उस चीज़ को भी मॉनिटर करता है, यानी कि किस तरह से उसकी प्लानिंग करनी है, उस प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाना है, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस को भी जो है वो मॉनिटरिंग करनी है, और कौन कौन से उसको जो है वो रिसोर्सेज उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एलोकेट करने हैं, वो सारे काम, और उसकी क्वालिटी को जो है वो कंट्रोल करना है कि जो हमारे पास प्रोजेक्ट बन रहा है वो उसी क्वालिटी का बन रहा है जिस क्वालिटी का जो है वो यूजर ने कहा है। फिर वो कहते हैं इसके अंदर जो टूल्स इस्तेमाल होने हैं, जिसका हमारे पास बार चार्ट, एक्टिविटी नेटवर्क, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस एंड सो ऑन, ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्या होंगी इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपको जो है इन सब चीजों का बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि कंप्यूटर साइंस में जो है ये टूल्स जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं या इम्प्लीमेंट होते हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनता है तो हम क्या करते हैं, इन तमाम एक्टिविटीज को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहता है प्रोडक्शन मैनेजर। अब प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन से हमें फौरन से पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट के मैनेजर का काम क्या होता है कि उसने क्या करना होता है, उसने जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी पे जो है वो कंसर्न करना होता है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो एफिशिएंटली बने, ठीक है, और उनकी क्वालिटी क्या हो, मेंटेन हो, यानी कि आपका जो प्रोडक्शन पार्ट है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम जो है वो वहीं पे होता है कि उसका कंसर्न है कि वो क्या करे, उन तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो चेक करे और उनकी जो है क्वालिटी उनको मेंटेन रखे कि उनकी जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड से गिरनी नहीं चाहिए। ये काम जो है हमारे पास प्रोडक्ट मैनेजर का होता है या प्रोडक्शन मैनेजर का होता है। फिर हमारे पास आता है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर का क्या काम होता है कि डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी जनरल काम होते हैं, डील्स होती हैं या जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, वो सारे के सारा जो है वो किसकी जिम्मे आते हैं, जनरल मैनेजर कहते हैं कि जनरली जितने भी काम हैं, चाहे वो मैनेजमेंट की डील्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पूरी के पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारे के सारे जो है वो किसने डील करनी होती है, मैनेजर ने डील करनी होती है। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जनरल मैनेजर और जो कॉर्पोरेट मैनेजर है वो एक भी हो सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे दोनों अलग अलग लिखे हैं, दोनों जो है वो एक सेम भी हो सकते हैं कि जनरल मैनेजर हो जाए जो है कॉर्पोरेट मैनेजर ना हो, लेकिन ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर अलग हैं तो फिर जनरल मैनेजर के पास जो है वो सिर्फ जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी मैनेजमेंट की डीलिंग वगैरह के हवाले से, ठीक है, और कॉर्पोरेट मैनेजर उसके हिसाब से में क्या काम आएगा कि कंपनी के अंदर जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो किस तरह से लॉन्ग टर्म में जो है वो काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो है वो कौन देखेगा, कॉर्पोरेट मैनेजर देखेगा, ठीक है। फिर उसका ये काम भी है कि वो क्या करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं ओवरऑल उन सब की जो है उसने परफॉर्मेंस को क्या करना है, मॉनिटर करना है, और अगर इन केस कंपनी में जो है कोई इशू आ जाता है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एक सीरियस इशू आ जाता है तो उस इशू को जो है या इशू उठता है उस इशू को किस तरह से रिजॉल्व करना है, ये काम भी जो है हमारे पास कॉर्पोरेट मैनेजर का ही है कि एक तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उसने क्या करना है, जो भी उसकी स्ट्रेटजीज हैं लॉन्ग टर्म, एक तो उसने क्या करना है उसको देखना है कॉर्पोरेट मैनेजर, दूसरा उसने ये देखना है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम हो रहा है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, उसकी उसने परफॉर्मेंस को जो है वो क्या करना है, मॉनिटर करना है। फिर अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ सीरियस प्रॉब्लम कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं पर भी कोई सीरियस प्रॉब्लम जो है वो अकर हो जाता है तो कॉर्पोरेट मैनेजर क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को भी जो है वो क्या करेगा, सॉल्व करेगा, ठीक है।